Hello friends, welcome once again in video. Today we are going to see biotransformation metabolism of drugs part 7. अब तक हम 6 पार्ट कर चुके हैं और इस पार्ट में क्या है और इसके बाद क्या होने वाला है उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आज हम देखेंगे फेज 2 रिएक्शन, जिसमें हम बात करेंगे ग्लूटाथायोन के साथ कैसे ड्रग जुड़ती है और कैसे मेटाबॉलिज्म होता है और कैसे ड्रग निकलती है। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लूटाथायोन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी चीज हम देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लूटाथायोन एसिड कॉन्जुगेशन रिएक्शन, या ग्लूटाथायोन के साथ जो मर्कैप्सुलिक एसिड बनता है एंड प्रोडक्ट वो कैसे बनता है और किस तरह से इसका सिग्निफिकेंस है एग्जाम्पल के साथ। सो लेट अस स्टार्ट ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। ग्लूटाथायोन को शॉर्ट में लिखते हैं GSH। पहला सवाल, GSH स्टैंड्स फॉर ग्लूटाथायोन। भाई हम बात कर रहे हैं फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन में कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। पहली हमने देखी थी जो मोस्ट कॉमन, ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन। ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन के बाद आता है नंबर ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। अब चूंकि ये फेज 2 कैरेक्टर है, ये फेज 2 रिएक्शन है, इसका मतलब वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो फेज 1-2 रिएक्शंस की होती हैं, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में होंगी। कैसे? तो क्या है, इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज 2। जैसे इट इज सिंथेटिक रिएक्शन बिकॉज देयर इज सिंथेटिक ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल विच इज वाटर सॉल्युबल। तो पहला है, ये सिंथेटिक रिएक्शन है। सेकेंड की बात करें तो देयर इज कॉन्जुगेशन विद एंडोजेनस सब्सटेंस। एंडोजेनस सब्सटेंस क्या है? ग्लूटाथायोन ही है। ड्रग ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेट बनाएगी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज इट इज फेज 2 रिएक्शन, देयर इज इंक्रीज इन पोलरिटी एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ द मेटाबोलाइट विच रेंडर्स द प्रोडक्ट ऑफ फेज 1 वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट, इट इज कैपेसिटी लिमिटेड। ग्लूटाथायोन के डेफिनेट मॉलिक्यूल ही है, एक लिमिट तक अगर प्रोडक्ट फेज 1 आएगा तो ही उसके साथ मेटाबॉलिज्म होगा। अगर वो लिमिट क्रॉस कर दी तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसीलिए इट इज कॉल्ड कैपेसिटी लिमिटेड। डिटेल्स के लिए आप पिछले वीडियोस देखिए, लिमिटेड आई हैव डिस्कस, फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगली कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि कई ड्रग ऐसी होती हैं जिनके मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बहुत हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, और हम जानते हैं प्रेजेंस ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स मेक अ पर्टिकुलर मेटाबोलाइट ऑन एन एजेंट हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। तो हाई इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगा, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और वो आपके टिश्यूज से बाइंड हो जाएगा OH ग्रुप के साथ, COOH ग्रुप के साथ, हम देखेंगे इसके अंदर। तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम किसका है? ग्लूटाथायोन का, इसीलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये तो है पहला कि दिस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लूटाथायोन रिएक्शन। क्योंकि ये फेज 2 का है तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन के साथ। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे चलते हैं। ये हम देख चुके हैं कि शॉर्ट फॉर्म में इसको GSH बोलते हैं। ग्लूटाथायोन है क्या? ग्लूटाथायोन इज ए ट्राइपेप्टाइड। याद रखने का तरीका है, इसमें 3 शब्द हैं, 1, 2, 3। इन 3 शब्द का मतलब ये नहीं है कि हर शब्द स्टैंड फॉर एन पर्टिकुलर एमिनो एसिड, नहीं, अपने को 1, 2, 3 इसका मतलब ट्राइपेप्टाइड है। और वो कौन कौन से है? वो है ग्लूटामिल, सिस्टीनाइल, ग्लाइसिन। ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और ग्लाइसिन, सर स्ट्रक्चर के साथ देख लेते हैं। तो ये तो है करो ग्लूटामिक एसिड, ये वाला पार्ट जो ब्लू कलर है ग्लूटामिक एसिड, ये वाला पार्ट है सिस्टीन। सिस्टीनाइल से, सिस्टीन से बना, तो ये है आपका सिस्टीन, और ग्लाइसिन ये वाला पार्ट है ग्लाइसिन। ये तीनों जुड़ गए तो क्या बना? ग्लूटाथायोन। अब इस ग्लूटाथायोन की खासियत है, खासियत क्यों है? क्योंकि अभी बताया ना आपको, ये मेन डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो यहां पर आपको एक दिखेगा, इट इज SH, एंड दिस ग्लूटाथायोन इज स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफिलिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एच थायल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिस थायल ग्रुप्स रिएक्ट्स विद हाईली इलेक्ट्रोफिलिक ड्रग
या मेटाबोलाइट्स विच आर वेरी डेंजरस। अब क्या होता है, ये जो हाईली इलेक्ट्रोफिलिक मेटाबोलाइट जो बहुत डेंजरस है, दे कंबाइन विद टिश्यू इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, जो आपके टिश्यूज में एंजाइम्स पे जो ग्रुप है, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एमीन ग्रुप या थायल ग्रुप, उनके साथ बाइंड हो जाता है। एंड दीज इलेक्ट्रोफिलिक मोइटीज या ड्रग मेटाबोलाइट्स दे कॉज टॉक्सिसिटी, आपको टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कैंसर, कार्सिनोजेनेसिस या टिश्यू नेक्रोसिस इस तरीके से। तो ड्रग और उनके मेटाबोलाइट अगर इतने घातक होते हैं तो फिर तो समस्या है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अपने पास है ना ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन क्या होगा, इसके पास है ना न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रोफिलिक के साथ जुड़ जाएगा और क्या होगा, therefore glutathione protects tissues by combining with these electrophilic groups and therefore it is a kind of detoxification reaction। तो आपको पता चल गया होगा इलेक्ट्रोफिलिक के साथ बाइंड हो जाता है कौन, ग्लूटाथायोन, और उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट फॉर्म, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ट्राइपेप्टाइड, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे इट इज स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफिलिक एंड इट इज डिटॉक्सिफायर। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लूटाथायोन, भैया ये इंडिविजुअल ग्लूटाथायोन की बात हो रही है, लेकिन और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देख चुके हैं जो इसके साथ रहेगी सी, क्योंकि ये फेज टू रिएक्शन है। नेक्स्ट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ सबस्ट्रेट या फिर कोएंजाइम। जब हम बाकी रिएक्शन देखेंगे तो उसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट या कोएंजाइम को एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ग्लूटाथायोन डायरेक्ट ड्रग से जुड़ जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं, अभी आप इतना याद रखो। नेक्स्ट, इसकी स्कीम क्या है, स्कीम ये है कि सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब ड्रग की बात हो रही है, दिस ड्रग बाइंड विद जीएसएच, जीएसएच तो ग्लूटाथायोन है, और यहां पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेट। ड्रग के साथ इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बन गया, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेट। इसको हम समझते हैं स्ट्रक्चर की मदद से, वेरी सिंपल। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये बहुत लंबा है, इसलिए हमने आपको ब्रांच फॉर्म में बना दिया, चीज वही है ग्लूटाथायोन। हुआ क्या था, सबस्ट्रेट का मतलब ड्रग, ये ड्रग आपकी यहां पर ड्रग आ गई और ग्लूटाथायोन के साथ कंबाइन हो रही है। नाउ एंजाइम कौन सा है, जीएसएच एस ट्रांसफरेज, तो ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, इसके प्रेजेंस के अंदर ये ड्रग बाइंड हो रही है, तो एच और एच तो अलग हो गया और आर बाइंड हो गया। वेरी सिंपल, इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ आर एड हो गया। तो पहले स्टेप में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम द सबस्ट्रेट बाइंड्स एंड दिस इज कॉल्ड ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेट, ये बन गया था ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो कॉन्जुगेट बना है इस कॉन्जुगेट में से ग्लूटामीन बाहर आ जाएगा और इस एंजाइम का काम होगा किसका, गामा ग्लूटामिन ट्रांसपेप्टाइडेज, इसमें से ग्लूटामीन चला गया। अब ग्लूटामीन चला गया मतलब कौन सा है ग्लूटामीन, ये वाला पार्ट हमने देखा था ना ग्लूटामीन, तो ब्लू वाला पार्ट चला गया, अब बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ग्लूटामिन जाने के बाद ड्रग तो ऐसे की ऐसे है, ग्रीन पार्ट इज देयर, दिस पार्ट इज देयर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब ये जो आपके पास बना है ये वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड सिस्टीनाइल ग्लाइसिन कॉन्जुगेट। क्यों, क्योंकि इसमें सिस्टीन है और ग्लाइसिन है, ग्लूटामिन तो चला गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, इसमें से फिर ग्लाइसिन चला जाएगा और एंजाइम कौन सा होगा, सिस्टीनाइल ग्लाइसिनेज। तो ग्लाइसिन चला गया तो क्या होगा, ग्लाइसिन जाने के बाद ये ग्रीन मॉइटी चली गई, ये नीचे ग्रीन मॉइटी चली गई और क्या बना आपके पास, सिस्टीनाइल कॉन्जुगेट, क्योंकि सिस्टीन ही तो है बीच वाला पार्ट, तो सिस्टीनाइल कॉन्जुगेट। तो इसको याद करने का एक और तरीका है, इसका हमने नाम क्या पढ़ा था, ग्लूटामिल सिस्टीनाइल ग्लाइसिन। तो पहले नंबर पे ग्लूटामिन है तो पहले कौन सा निकलेगा, ग्लूटामिन निकल गया। ये बीच का है जो दोनों को बांधे हुए हैं, तो ये इसको तो रखना पड़ेगा, ये कौन से नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे, तो बाद में ग्लाइसिन निकल गया। तो तीन स्टेप हो गए, पहले ड्रग के साथ बाइंड हो गया आपका ग्लूटाथायोन,
फिर ग्लूटामिन, ग्लूटामिन निकल गया और फिर उसके बाद ग्लाइसिन निकल गया, आपके पास क्या बचा है, सिस्टीन के साथ बंधी हुई ड्रग। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ये सिस्टीन जो कॉन्जुगेट है इसका क्या होता है। दिस सिस्टीन कॉन्जुगेट, इस पर यहां हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सिस्टीन कॉन्जुगेट पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है एन एसिटाइलेज। एन एसिटाइलेज का मतलब नाइट्रोजन ग्रुप पर एस्टर ग्रुप जुड़ेगा, यस। तो इस कॉन्जुगेट पर यहां पर देखिए आप CO CH3 जुड़ गया और ये जो प्रोडक्ट बनता है इट इज मरकैप्चुरिक एसिड या मरकैप्चुरिक एसिड डेरिवेटिव। सो दिस इज हाउ द ड्रग बाइंड्स एंड द एंड प्रोडक्ट इज मरकैप्चुरिक एसिड। इसलिए ग्लूटाथायन कॉन्जुगेट को हम एक साथ बोल सकते हैं ग्लूटाथायन कॉन्जुगेशन एंड मरकैप्चुरिक एसिड सिंथेसिस, जो बाद में बाहर आ जाएगा ये बॉडी से बिकॉज इट कैन बी एक्सक्रीटेड। अब ये जो ग्लूटाथायन है ये किस तरीके से बाइंड होता है ड्रग के साथ या मोइटीज के साथ जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। दिस कॉन्जुगेशन ऑफ ग्लूटाथायन इट अकर्स बाय टू मैकेनिज्म्स। कैसे, एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वही न्यूक्लियोफाइल तो है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इट अकर्स एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन और हीटरो एटम। जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या फिर जो हीटरो एटम होगा, जैसे एग्जांपल के लिए ड्रग्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इपॉक्साइड्स, उसके अंदर ये देखा जाता है। अब इसकी स्कीम क्या रहेगी, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहेगा ये है आपकी ड्रग RX और ये है आपका ग्लूटाथायन RSG, ये बन गया आपका इस तरीके से ग्लूटाथायन, ये अलग हो गया और ये X हेटरोएटम अलग हो गया। दूसरा मैकेनिज्म कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पर एडिशन कहां होता है, जहां पर जगह होगी ना, खाली जगह होगी, तो मतलब देयर एड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड, तो जहां पर डबल बॉन्ड होंगे वहां पर एड हो जाएगा। देखते हैं, जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड्स और ड्रग का नाम है इथाक्रिनिक एसिड। स्कीम क्या है, RCH डबल बॉन्ड, ये देखिए डबल बॉन्ड GSH बन गया, ये RCH SG और CH2R। तो इस तरह से ये दो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। तो आप देखते हैं ग्लूटाथायन का क्या सिग्निफिकेंस है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर कि ओवरडोज के अंदर पैरासिटामोल की वजह से लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि पैरासिटामोल जब बॉडी में का मेटाबॉलिज्म चलता है तो एक मेटाबोलाइट बनता है इम्यूनोक्विनोनिमिन मेटाबोलाइट, और वह इम्यूनोक्विनोनिमिन मेटाबोलाइट इट इज हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और वो हाई इलेक्ट्रोफिलिक मतलब टॉक्सिक है, वो बॉडी के टिश्यू के साथ बाइंड होने की कोशिश करेगा लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, ग्लूटाथायन। लेकिन ये तो फेज टू रिएक्शन है, ये लिमिटेड नंबर है, तो जब तक एक डेफिनेट कंसंट्रेशन उस मेटाबोलाइट की पैरासिटामोल के द्वारा आएगी तब तक तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन एक डेफिनेट रेंज से जब ज्यादा हो गई तो ग्लूटाथायन तो लिमिटेड ही है ना, वो डिप्लीट हो जाएगा और एक्स्ट्रा ग्लूटाथायन नहीं बचेगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में मेटाबोलाइट बन रहा है पैरासिटामोल का वो आपके टिश्यू से बाइंड हो जाएगा और डैमेज करेगा। देयरफॉर इन ओवरडोज पैरासिटामोल कॉज टॉक्सिसिटी। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस वी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये कहानी थी ग्लूटाथायन कॉन्जुगेशन की, इसी तरह हम नेक्स्ट मिलते रहेंगे एंड फॉर दैट नेक्स्ट क्या है और कौन सी रिएक्शन है, एसिटाइलेशन है, मिथाइलेशन है, सल्फेट कॉन्जुगेशन है, उसमें क्या सिग्निफिकेंस है और कहाँ रोल है, जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बी इन टच।